आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिवाइज कैसे की जाती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा। और उसी को हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, फिर हैड बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड ईटन ए मैंगो, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब हम इसको पैसिव कर रहे हैं तो ए मैंगो हैड बीन ईटन, बस हमने यहाँ बीन लगा दिए, हैड बीन ईटन बाय मी, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शी, शी हैड ईटन ए मैंगो, एक्टिव वॉइस। ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय हर, पैसिव वॉइस। ही हैड ईटन ए मैंगो, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय हिम। नेक्स्ट है हमारे पास यू, यू हैड ईटन ए मैंगो, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय यू, पैसिव वॉइस। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास में वी, वी हैड ईटन ए मैंगो, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय अस, वी का हो गया अस। ठीक है, अब रहेगा हमारा दे। ठीक है, दे हैड ईटन ए मैंगो, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय देम, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास पास्ट की सिर्फ एक टाइप रह गई है, उसके बाद फ्यूचर टेंस देखेंगे हम, और फिर बाकी के जैसे लेट वाले सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव्स, ये सब हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो वक्त पर मिलती रहेंगी, डालते से ही हमारे मिल जाएंगे अपलोड करते से ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।